Hi guys, welcome back to my channel. And in today's video, I'll be sharing with you 5 amazing snack recipes which are my favorite, and I'm sure if you will try them, they'll become your favorite too. So come, let's begin. तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्मिसली उपमा. इसके लिए मैंने लिया है 1 अनियन, टमेटो, फ्रोजन कॉर्न्स एंड पीस, पटेटो, कैप्सिकम एंड सम ग्रीन चिलीज. तो सबसे पहले हम वर्मिसली को ड्राई रोस्ट करेंगे. अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड वर्मिसली यूज कर रहे हैं तो ये स्टेप कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए. इसके बाद रोस्टेड वर्मिसली को बॉईल करना है. ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इसको करने से आपकी वर्मिसली एकदम खिली खिली बनेगी. एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है. उसमें ऐड करना है जीरा एंड अ पिंच ऑफ हींग. जीरा जब स्प्लैटर हो जाए उसमें ऐड करना है अनियन एंड ग्रीन चिलीज. जब अनियंस थोड़े से पिंक और ट्रांसलूसेंट हो जाए उसमें ऐड कीजिए टमेटोज एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. टमेटोज को 2 सेकेंड्स के लिए सॉटे करने के बाद उसमें ऐड कीजिए सारी वेजिटेबल्स एक्सेप्ट कैप्सिकम, क्योंकि उसको पकने में कम टाइम लगता है. मसाला में मैंने ऐड किया है मसाला है मैजिक 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून एंड 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ऐड की है बॉइल्ड वर्मिसली एंड सम टमेटो केचप. इसी के साथ आपका रेडी है वर्मिसली उपमा. इंजॉय करने के लिए इसमें आप थोड़े पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं फॉर दैट क्रंच. और नेक्स्ट जो रेसिपी है वो एक अमेजिंग और मस्ट ट्राई है. और इसके लिए हमें चाहिए बटर जो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और चाहिए सिनेमन पाउडर, ब्राउन शुगर एंड ब्रेड स्लाइसेस. अब बटर, सिनेमन पाउडर और ब्राउन शुगर को अच्छे से मिक्स करना है. इस रेसिपी में ब्राउन शुगर ही जाता है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप वही यूज़ करें. हम यहाँ पे बना रहे हैं सिनेमन टोस्ट, जिसका टेस्ट मोर और लेस सिनेमन रोल्स जैसा लगता है. अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो आप ब्रेड स्लाइसेस के दोनों तरफ अप्लाई कर लीजिए. एकदम थिन लेयर लगानी है. जितना मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी है उतनी ही थिन लेयर लगानी है. फिर पैन पे स्लो फ्लेम पर इन्हें सेकना है, और आप देखेंगे कि ये अब कैरमलाइज होंगे क्योंकि इसमें शुगर और बटर है. थोड़ी देर बाद ये क्रंची हो जाएंगे जस्ट लाइक टोस्ट, और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, आप ट्राई करोगे आपको बहुत पसंद आएंगे. अब यहाँ पे 2 टिप. इसको ज़्यादा कुक मत कीजिए क्योंकि कैरमल जब ज़्यादा पक जाता है तो वो कड़वा टेस्ट करेगा. और नेक्स्ट ब्रेड स्लाइस डालने से पहले पैन को अच्छे से क्लीन कीजिए, वरना वो टोस्ट कड़वा हो जाएगा. सो नेक्स्ट रेसिपी है क्रीमी एंड डिलिशियस मखनी मैकरोनी की. तो सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे. इसके लिए एक पैन में पानी गरम कीजिए. उसमें डालिए 1 अनियन, 4-5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 1 मीडियम साइज टमेटो, 1 इंच जिंजर और 4-5 कैश्यूज. इसको कवर कर दीजिए और 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए. 10 मिनट्स के बाद गैस ऑफ कीजिए और मिक्सचर को कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिए. उसके बाद ऐड कीजिए उसे मिक्सर ग्राइंडर में एंड ग्राइंड कीजिए एक स्मूथ पेस्ट में. एक पैन में ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड 1 टेबलस्पून ऑफ बटर और 1/2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर. इसमें ऐड कीजिए ग्रेवी मिक्सचर जो हमने पहले ग्राइंड किया था. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ऐड 1 पैकेट ऑफ मैगी मसाला, 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, चाट मसाला, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट. थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको कवर करके कुक कीजिए 1-2 मिनट्स तक, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए ग्रेवी से. उसके बाद ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम और मलाई. अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कीजिए प्री बॉइल्ड मैकरोनी एंड योर डिलिशियस मखनी मैकरोनी इज रेडी.
नेक्स्ट जो रेसिपी है वो सुपर क्विक और सुपर फिलिंग है और हम बनाने जा रहे हैं मैंगो स्मूदी। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 फ्रोजन बनाना, 1 मैंगो, 1/4 कप ऑफ कर्ड, 1 कप ऑफ मिल्क एंड एनी स्वीटनर ऑफ योर चॉइस। ऐड कीजिए इन सभी को मिक्सर ग्राइंडर में और ग्राइंड कर लीजिए एक स्मूथ पेस्ट में। टॉपिंग्स आप अपनी चॉइस की कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैंगो, बनाना, थोड़े से आलमंड्स, वॉलनट्स और एप्रिकॉट्स यूज़ किए। और आज के वीडियो की लास्ट रेसिपी है ये चटपटा ब्रेड पोहा की। इसके लिए आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है अनियन, टमेटोज, फ्रोजन पीज एंड कॉर्न्स, पटेटोज एंड सम ग्रीन चिलीज। तो सबसे पहले आप अपनी सारी ब्रेड स्लाइसेस को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिए और उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए लो फ्लेम पे। उसके बाद एक पैन में लीजिए ऑयल, उसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, 1 टेबलस्पून ऑफ सौंफ, फेनल सीड्स एंड अ पिंच ऑफ हींग। जब जीरा स्प्लैटर हो जाए तो उसमें ऐड कीजिए अनियंस एंड ग्रीन चिलीज। अनियंस ट्रांसलूसेंट हो जाए उसमें ऐड कीजिए सारी वेजिटेबल्स एंड कवर करके उसको कुक कीजिए 5 मिनट्स के लिए। जब सारी वेजिटेबल्स हाफ कुक हो जाए उसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ऑफ मैगी मसाला, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। उसे कवर करके कुक कीजिए। जब मसाला पक जाए उसमें ऐड कीजिए ब्रेड पीसेस एंड टमेटो केचप एंड योर डिलिशियस एंड हेल्दी ब्रेड पोहा इज रेडी। That's all for this video, guys. Let me know in the comments below which recipe you're gonna try, and I'll see you in my next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, The Edible Tripper.